हराम खोरो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ना तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो इस चूरी से मैं तुम्हारे पिछवाड़े में दूसरा होल बना दूंगा और या तुम्हारी बिंडी जैसी लुली को काट दूंगा। तो काटने से बेहतर है कि तुम लोग उस लुली से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर अपनी ये बिंडी जैसी लुली मार दो ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन की क्रिंग क्रिंग तुम्हारे पिछवाड़े में गूंजती रहे और तुम लोग मेरी वीडियो देखते रहो। शुभकामनाएं। हराम खोरो, तुम सबको दिवाली की शुभकामनाएं, बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। आज हिंदुस्तान में बल्कि वर्ल्ड में जितने भी रहने वाले हिंदुस्तानी नागरिक हैं और इस कल्चर को मानते हैं, दिवाली को मानते हैं, तो वो आज का दिन मनाएंगे, तो उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई हो। हराम खोर, ऐसे इवेंट जो है ना वो भी सिर्फ अमीर लोग एंजॉय कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकते। अमीर के पास पैसा होगा तो दिवाली से 2-3 दिन पहले वो अपने पूरी फैमिली को ले जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, लड़कियां बच्चियां कोई जीन्स पैंट शर्ट खरीदेगा, कोई साड़ी खरीदेगा, कोई शलवार कमीज खरीदेगा, कोई सूट खरीदेगा। दिवाली के दिन पर उनके चेहरे चमक और खिले उठेंगे क्योंकि उनके पास पैसा होता है, वो खुश होते हैं। लेकिन ये गरीब भोसड़ी वाले क्या करते और ये ऐसे इवेंट्स एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? उनको पता है कि हमारे पिछवाड़े में इतनी दम नहीं है कि हम ऐसी इवेंटों पे अपने परिवार वालों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी माताजी के लिए, अपनी बहन के लिए, भाई के लिए, मतलब भाभी के लिए, बच्ची के लिए कोई गिफ्ट ले या उनके लिए कोई मतलब कोई चीज ले जो आने वाले इवेंट पे उनका काम आए। गरीब हमेशा अमीर का पिछवाड़ा देखता है। अगर इस हरामखोर के पिछवाड़े से कोई 10-20 का नोट गिर गया तो ठीक, वरना फिर तो हमारा काम खत्म। तो हराम खोर ऐसे इवेंट भी जो है ना अमीर लोग एंजॉय करते, गरीब नहीं करते। तो आज दिवाली है, तिलवाली है, जो भी है आप लोगों का दिन है, बड़े हराम खोर बड़े खुशी से मनाएंगे। कोई गर्लफ्रेंड के साथ होगा तो कोई किसी और के साथ होगा तो कोई पत्नी के साथ होगा, एंजॉय करेंगे। और ये मनहूस गरीब बेचारे जो है ना ये बस इसी तरह देखते रहेंगे और गुस्से से जब घर आएंगे ना तो और तो कुछ कर नहीं सकते और अपनी पत्नी को जबरदस्ती बेड पर लिटाएंगे और शुरू हो जाएंगे और कहेंगे कि चल जाने दो, दिवाली को हम दोनों प्यार करने के लिए तो है ना। तो मतलब वो अपनी दिल का ब्लास्ट जो है ना उस पर निकाल लेते हैं क्योंकि उनके पास, वो हरामखोर के पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी पत्नी के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपनी माता के लिए, अपनी पिताश्री के लिए कुछ चीज खरीदे। तो हरामखोर अगर तुम लोगों के पास पैसा होगा तो हर इवेंट तुम लोग एंजॉय कर सकते हो। अगर तुम मनहूस हो, भिखारी हो, गरीब हो तो बस फिर सिर्फ अमीरों का पिछवाड़ा देखते रहो, बच्चियों के बड़े बड़े लाइट्स देखते रहो, उनके पीछे डिग्गी देखते रहो और बस घर जाकर, संडास जाकर या घर के छत पे जाकर वो अपने माइंड में लाया करो और अपना रबड़ गोला खींचता रहो। बस ये तुम लोगों का काम है। तो हराम खोरो अमीर बनो अमीर। ये जो हराम खोर काम काज नहीं करते ना और घरों में पड़े रहते हैं ना, तो मेरा मन करता है कि पहले चूरी से उसके पिछवाड़े के होल में एक दूसरा होल बनाऊं। अगर वो भी नहीं कर सकता ना तो मैं उसकी छोटी सी लुली जो लेडी फिंगर बिंडी जैसी लुली होती ना उसको काट दूं और कुत्तों को खिलाऊं कि जो लोग काम नहीं करते, काम धंधा नहीं करते। हराम खोरो कब तक तुम लोग इसी तरह जलील रहोगे? कुछ बनो, पाकिस्तानियों से कुछ सीखो। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा मिलीनियर, ट्रिलीनियर, चिलीनियर, प्रिलीनियर है। 10 साल के बच्चे के पास भी फेरारी, लैम्बोर्गिनी, ओडो पोडो ये गाड़ी होती है जो करोड़ों में होती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भिखारी गरीब एक इंसान भी आज नहीं है। क्यों? क्योंकि सबने कारोबार शुरू किया, सबने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आज पाकिस्तान में कोई भिखारी नहीं है, कोई गरीब नहीं है तुम लोगों की तरह। सब माशाल्लाह मौज मस्ती में है, चिल कर रहे, मजे कर रहे। तो मेरे देश के वासियों, मेरे हिंदुस्तान के गरीब वासियों, बिजनेस पर फोकस करो, बिजनेस पर फोकस करो, खुदा का खौफ करो, बिजनेस पर फोकस करो। अपना ये फोकस बच्चियों से और आंटियों के पिछवाड़े से निकाल दो और कारोबार पर फोकस करो कि तुम लोग भी एक दिन अमीर बन जाओगे। मुकेश अंबानी, टाटा बिल्ला, एलन मास्क,
और डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड लूज और ब्रेटली और जेटली और इन जैसे अमीर बन जाओगे। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो काम करना नहीं है, तुम लोगों ने तो बस घर में पड़ा रहना है, गंदी मुई देखनी है, खाते पीते हो, चिट्ठियां करते हो, और तो तुम लोगों का कोई काम है नहीं। तो ऐसे कल्चर, ऐसे दिन जब आएगा, दिवाली हो या आप लोगों का जो भी दिन आता है, तो फिर गरीब लोग तो एंजॉय नहीं कर सकते ना। तो ना करो ऐसा, तो काम पे फोकस करो, बिजनेस पे फोकस करो, कि तुम लोग भी हरामखोर अमीरों की तरह ऐसे कल्चर एंजॉय कर सकते हो। लेकिन नहीं, हरामखोर।